हेलो यूट्यूब, दिस इज विकी। यू आर वाचिंग आर्ट बालाघाट। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विकी, आप देख रहे हैं आर्ट बालाघाट। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फोटो को क्लीन कैसे करें, इसका क्या प्रोसेस है, कैसे चीज़ें काम करती, कौन कौन सी इसमें प्रोसेस होगी, क्या क्या मेथड होगा, कैसे चीज़ें काम करेगी, इस चीज़ सारी चीज़ों को देखेंगे, समझेंगे। तो बने रहिए आप हमारे साथ। और अभी तक आपने हमारा चैनल आर्ट बालाघाट का सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पर रेगुलर फोटो सबसे रिलेटेड टेक्निकल वीडियोस आप सभी को देखने को मिलेगी। यहाँ पर एक और बात बता दूं कि अगर अभी तक आपने हमारा विकी क्रिएशन यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, जो कि एक बैकअप चैनल है, उसे सब्सक्राइब नहीं किया, उसमें भी कंटिन्यू ट्यूटोरियल आ रहे हैं, तो उसे भी सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर प्रेस कर लो, क्योंकि अब से मैं उसमें भी वीडियोज डालने वाला हूँ, रेगुलरली वीडियोज उसमें पोस्ट करता हूँ। और दूसरी चीज बता दूं कि फिनिश करना फिल्टरों के अलावा बाकी बेसिक चीजों से भी फोटोशॉप के अंदर में भी इतनी सारी प्रीमियम चीजें हैं, अगर आप उस चीज का यूज करते हो तो बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी से उस चीज का यूज कर पाओगे। लेकिन ऑटो प्लगइन ऐसी चीजें बनी हुई हैं कि वहां पर आपको डायरेक्टली चीजों को प्रोवाइड कर दिया जाता है, जो कि काफी बेहतर है और आसानी से चीजें प्रोवाइड हो जाती है। तो इसीलिए हम लोग फिल्टर्स का यूज करते हैं, जो कि एडिशनल सोर्स से एक्सटर्नल डाला जाता है। इंस्टॉलेशन का क्या प्रोसेस है, सारी चीजें बताता हूं। अगर आपको फिल्टर्स बाय करने हो तो आप मुझसे तुरंत इंस्टाग्राम पे आके बात कर सकते हो, मैं बताऊंगा आपको कि बिल्कुल चीप प्राइस में कैसे बाय करना होगा। यहां पर मैं बात करने वाला हूं फोटोशॉप के अंदर में। फोटोशॉप सीसी ले लिया है मैंने, यहां से सिंगल वे में आंसू का फोटो ले लेता हूं, ड्रैग एंड ड्रॉप करके फोटो को यहां पर मैंने लेके आ गया है। यहां से फोटो को ओपन करा लेने के बाद में आपको बिल्कुल आसानी से सारी चीजें मैं बताता हूं। अगर कोई भी परेशानी आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कि आप ये नहीं बता पाए या ये नहीं बता पाए। फोटोशॉप में ओपन किया, कुछ ऑप्शन आए थे, उसे मैंने ओके कर दिया। वो बाय डिफॉल्ट, अगर कलर चेंज करना चाहते हो, नहीं करना चाहते, ये ओरिजिनल रॉ मटेरियल लेने पर ऐसी चीज़ें आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। दूसरी चीज़ यहाँ पर मैं बताऊँगा कि अगर आप चाहें तो एक्सटर्नल सोर्स से जो फिल्टर्स डाउनलोड करते हैं उसके बदौलत भी आप इन चीज़ों को हाई फिनिश कर सकते हैं। लेकिन जिन लोगों के पास फिल्टर नहीं है वो क्या करें, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका सवाल था कि विक्की भाई हमारे पास फिल्टर नहीं है, हम क्या करें बताइए। तो यार बिल्कुल चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, भाई बैठा है, सारी चीज़ों का तोड़ निकालेगा, बिल्कुल आसानी से सारी चीज़ों को समझाएगा। तो देखते हैं यहाँ पर कैसे कैसे फोटो ओपन नहीं हो पा रही है। यहाँ पर मेरी फोटो को सिंगल वे में ड्रैग एंड ड्रॉप कर लिया है मैंने, फोटोशॉप बंद करके चालू किया मैंने। ये बोल रहा है कुछ 3D के लिए ऑप्शन आ रहा था, तो इसको डू नॉट अगेन में क्लिक करके ओके कर देंगे, कैंसिल कर देते हैं इसको। ये फोटो ले लिया हमने आंसू का। अब यहाँ से ध्यानपूर्वक आपको देखना है, इसमें बहुत सारी चीज़ों को बदला जा सकता है, लेकिन मैं यहाँ पर सिर्फ बेसिक चीज़ों को बताऊँगा, सिर्फ और सिर्फ कुछ ही चीज़ों को आपको करना होगा, बाकी आपको बिल्कुल काम नहीं करना है। आप यहाँ पर चाहें तो मैं जैसा कर रहा हूँ वैसा भी कर सकते हैं, और ना करना हो आपको तो अपनी सुविधानुसार भी चीज़ों को कर पाएंगे। सबसे पहले लेयर को डुप्लीकेट करना है। डुप्लीकेट करने के लिए लेयर में आना है, और ये डुप्लीकेट का बटन है, ये 1, एक और कॉपी बनाना है, ये 2, एक और कॉपी बनाना है, ये 3। 3 कॉपी मैंने बना लिया है। अब मुझे तीनों कॉपी की ज़रूरत पड़ेगी समय समय पर, कैसे पड़ेगी वो भी देख लेते हैं। यहाँ पर जैसा है वैसा ही रहने देने वाला हूँ मैं, लेकिन अभी आपको क्या काम करना है वो मैं बता देता हूँ। सिंगल वाले लेयर की आँख को बंद कर दूंगा मैं, ध्यानपूर्वक समझेंगे, बिल्कुल आसान है। ये आँख को बंद कर दिया। सेकेंड नंबर वाले लेयर की भी आँख को मैं बंद कर देता हूँ। थर्ड नंबर के लेयर को भी बंद कर दिया। अब देखेंगे आपके पास एक ही चीज़ है, फर्स्ट वाले लेयर को एक्टिवेट करेंगे, यही चीज़ है। ये चीज़ बता रहा हूँ कि ये ओरिजिनल लेयर ही है, डुप्लीकेट जो किए हैं वही चीज़ है, इसमें कोई फेरबदल नहीं किया गया है। आप लोग परेशान ना हो, बेसिक चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे, बिल्कुल आसानी से चीज़ें समझ आ जाएंगी। दूसरे वाले लेयर को भी एक्टिवेट करूंगा, दो लेयर एक्टिवेट कर दिया हूं। अगर आप चाहें तो अपने हिसाब से समझ सकते हैं, मैं ये फेरबदल इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आपको समझाना मेरा मेन मोटिव है। यहां पर सेकेंड नंबर के लेयर पर आना है, ब्लर में आना है, गार्जियंस ब्लर में क्लिक करना है, और आप अपनी सुविधानुसार ब्लर कर सकते हैं। जैसे मैं यहां से 42 का ब्लर दूंगा या 37 का, ओके कर दिया, बस मेरा काम यहीं खत्म होता है। ओके करने के बाद दूसरे नंबर पे इस वाले लेयर को एक्टिवेट करेंगे, और इसका लेयर मोड बदल के
विविध लाइट करना है। याद रखेंगे जैसे यहां पर मेरा फोटो नजर आ रहा है, लेकिन यहां नॉर्मल में जैसे ही क्लिक करेंगे बहुत सारे लेयर मोड आ जाते हैं, तो आपको विविध लाइट सबसे नीचे से 8-9 नंबर पे मिल जाएगा, 9-10 नंबर पर। तो विविध लाइट को सिलेक्ट करना है, देखेंगे आप विविध लाइट सिलेक्ट किया है मैंने, बस इतना ही काम करना है आपको। और फिल्टर में आना है और यहां से अदर, और ये हाई पास का एक बटन मिल जाएगा। ये फोटोशॉप 7.0 में भी अवेलेबल है, ये ना सोचे आप लोग कि मैंने यहाँ पर नहीं बताया या वहाँ पर नहीं बताया, ऐसी कमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं, आप परेशान ना हो। और यहाँ से इसको मैं 0.07 में क्लिक कर दूंगा, ध्यान से देखेंगे। अब यहाँ तक ये फिल्टर काफ़ी बेहतर है, ये हो गया, यहाँ तक क्लिक कर दिया मैंने, और 0.8 इतना काफ़ी है, 07 ओके। अब ये और ये लेयर को कंट्रोल जी के साथ ग्रुप कर दूंगा मैं, ये दोनों को सिलेक्ट किया कंट्रोल के साथ में, और यहाँ से आके ग्रुप कर दूंगा लेयर को, आके कंट्रोल जी के साथ ग्रुप, ग्रुप हो गया। ग्रुप में रहने के बाद में आपको एक छोटा सा काम और करना है, वो क्या है, अल्टर की बटन कीबोर्ड से प्रेस करके रखना है, और यहाँ से मास्क में क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे सारा सब कुछ हट गया। अब यहाँ से आपको ब्रश टूल लेना है, ब्रश टूल में ऊपर ब्लैक नीचे वाइट, नीचे ब्लैक ऊपर वाइट, और यहां से आपको ये ब्रश टूल चलाना है। 100 में ना रखते हुए आप 70-72 के आसपास रख लें, और यहां से ब्रश चलाना है। अब आपको ध्यान से देखेंगे, बिल्कुल आसानी से आपको ये चीज करना है। देखेंगे ध्यानपूर्वक, मैंने इसमें कुछ भी नहीं किया है। अगर आप लोग सोचते हैं कि मैं जो फिल्टर्स यूज करता हूं वो ये सब अलग से करता हूं और उसका तरीका फोटोशॉप के अंदर में नहीं है, या आप लोग नहीं बताते हैं, बहुत सारे लोगों के ऐसे कमेंट आते हैं जो कि हेट फैलाने से रिलेटेड होते हैं, तो भाई हेट नहीं फैलाना है आपको, मेरे से पूछोगे नहीं तब तक मैं कोई चीज़ बता नहीं पाऊंगा। जितना मेरे समझ में आती है चीज़ें कि मेरे को ये बताना चाहिए उतना मैं बता देता हूँ। सिंगल क्लिक में यहाँ से आप क्लिक कर करके इसको एडिट करेंगे, ठीक है, ध्यान से समझेंगे। देख लेंगे ध्यानपूर्वक इस चीज़ को, अगर तब भी यहाँ कोई परेशानी आती है तो कमेंट करके बताएंगे, फिर भी मैं सॉल्यूशन निकालने की पूरी कोशिश करूँगा। यहाँ से इसकी फेदर को कम कर देंगे थोड़ा सा, और यहाँ से भी चला देता हूँ मैं, चलो यहाँ तक हो गया। अब यहाँ पे अगर आपको लगता है कि और फेरबदल करना चाहिए तो आप कर सकते हैं, जैसे मेरे को यहाँ थोड़ा थोड़ा और करना चाहिए, इतना काफ़ी, यहाँ तक हो गया। इधर पे भी अगर मैं चाहूँ तो कर सकता हूँ, लेकिन ट्यूटोरियल काफ़ी लंबा हो जाएगा इसलिए मुझे नहीं करना चाहिए था, पर फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि इस चीज़ को भी कर दूँ। इधर पर करने की कोई ज़रूरत है नहीं वैसे, मैं सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन करता हूँ, तो ये ना समझे कि मैंने ये नहीं बताया, मैंने वो नहीं बताया, इस साइड में तो ऐसे ही रख दिया, तो ऐसा नहीं है, सब तरफ से आप कर सकते हैं, जैसा आप चाहें वैसा कर पाएंगे, बस आपको चीज़ों को समझना है, एक बार आपको चीज़ें आनी चाहिए, उसके बाद में आप बेहतरीन तरीके से यूज़ कर पाएंगे। क्या किया मैंने, क्या क्या नहीं समझ में आएगा आप लोगों को, इसको परसेंटेज कम करके फिल्टर कर देता हूँ इस चीज़ को भी, और फेड कम किया था ये मैंने 50 बार बताया हुआ है, वो चीज़ समझने की कोशिश करोगे समझ में आ जाएगा। यहाँ तक कर लिया मैंने सारी चीज़ें, सारी प्रोसेसिंग कंप्लीट कर लिया है मैंने यहाँ तक, और इसके बाद में आपको बस काम खत्म हो चुका है आपका। इस वाले लेयर और इस वाले लेयर को रहने देना है, कंट्रोल अल्टर शिफ्ट के साथ एलिफेंट वाला ई का बटन प्रेस करेंगे, एक स्नैपशॉट बन जाएगा। स्नैपशॉट बन जाने के बाद आपके इसके ऊपर एक नया लेयर बनाएंगे यहाँ से, और ब्रश टूल चलाएंगे, ब्रश वाला टूल चलाएंगे, यहाँ से ब्रश टूल चलाऊंगा मैं, कौन सा कलर चलाऊंगा देखेंगे। यहाँ अल्टर क्लिक करके रखा है, वाइट वाला पार्ट चाहिए मुझे, और यहाँ से इसके ऊपर मुझे ब्रश चलाना है, देख लेंगे 25 है इधर, 100 है, ध्यान से देखेंगे। यहाँ तक हो गया सारी चीज़ें, और उसके बाद में यहाँ तक रहने देने वाला हूँ, और इसको सॉफ्ट लाइट में क्लिक कर दूंगा, और इसकी यहाँ से फेड को कम कर दूंगा, और एक और वैसी लेयर बनाऊंगा, ब्रश टूल लूंगा और वैसी चलाऊंगा, जितना हो सके उतना मैं चेंजेस करने की पूरी कोशिश करता हूँ। ध्यान से देखेंगे, यहाँ तक पूरा प्रोसेस कर लिया आपने, और ये सबको कंट्रोल जी के साथ ग्रुप कर लेंगे। अब यहाँ से एक काम और करना है, इधर आना है,
और लेवल पे आना है और यहां से लेवल बढ़ाना है थोड़ा सा। सत्रह की जगह यहां पर पंद्रह रखेंगे या चौदह रखेंगे या पंद्रह रखेंगे, चलो पंद्रह ही ठीक है। और यहां से एक बार और ब्राइटनेस कंट्रास्ट में आना है और यहां से भी थोड़ा थोड़ा बढ़ा दूंगा मैं, बस इतना काफी है। अब आप देखेंगे इन सबको कंट्रोल जी के साथ ग्रुप कर लूंगा और पहले और अब में अंतर देखेंगे, ठीक है। फोटो पहले कैसी थी, फोटो पहले कुछ ऐसी थी, अब फोटो कुछ ऐसी हो गई। तो यार ये बात नहीं है कि आप लोगों में से 80% लोग मुझसे कमेंट करते हैं कि आप फिल्टर्स दीजिए, फिल्टर का डाउनलोड लिंक दीजिए, फिल्टर फ्री में नहीं आते हैं, मेहनत करनी होती है आपको कोई भी बेहतर काम करने के लिए। इवन ये ट्यूटोरियल बनाने के लिए भी मुझे कितने देर पसीने में रहना पड़ा, गर्मी में रहना पड़ा, ये मैं जानता हूं। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि कोई भी बेस्ट वर्क करने के लिए हार्ड वर्क करना बहुत जरूरी है। तो जब तक आप हाई फिनिशिंग करोगे, मन से काम करोगे, मन से वर्क करोगे, प्रीमियम टाइप की डिजाइनिंग आपके सामने बन के आएगी। और देखो मैंने बिना किसी प्लगइन के आपके सामने एक ऐसे प्रीमियम क्वालिटी का फिल्टर बना के देखा, हाई फिनिशिंग हाई रिटचिंग करके देखा कि आपको ऐसा लगेगा कि मैंने सही में कोई वर्क कर पाया है। अगर आप इस चीज को सीख जाते हैं तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस चीज में वर्क कर पाएंगे और प्रीमियम क्वालिटी का कंटेंट आप लोग बना पाएंगे, चाहे वो एल्बम हो, फोटोग्राफी के किसी भी फील्ड में। तो बस यार आज के लिए सिर्फ इतना ही। कैसा था ट्यूटोरियल कमेंट करके जरूर बताना, मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अच्छा लगा हो इसे जरूर लाइक करें, हम मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। विकी क्रिएशन यूट्यूब चैनल को यूट्यूब में जाके सर्च करो और सब्सक्राइब कर लो, या डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। अगर कोई परेशानी आती तो भाई बैठा है तुरंत इंस्टाग्राम पे आओ, मैं आपसे बात करने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर कोई परेशानी होती है, हिंदी में आर्टिकल पढ़ना है, आर्ट बालाघाट का ऑफिशियल ब्लॉग चेक करो, वहां पर आपको लिंक मिल जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय भीम।